वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। सरकार बनेगी और दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश का विकास करेगी। वाराणसी शिवपुर विधानसभा 386 समाजवादी पार्टी व सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर ने प्रथम वाराणसी आगमन पर भाजपा पर हमला बोला। अरविंद राजभर ने कहा कि वर्तमान सरकार नौकरी के नाम पर युवाओं को लाठी डंडा देती है, यही बेरोजगार युवा ही इन्हें चुनाव में यूपी से खदेड़ेंगे। भाजपा केवल जातिवाद की बात करते हैं, जिससे कि प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। जनता ही मुद्दा है। पूर्ण समर्थन के साथ हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली के तर्ज पर प्रदेश का विकास करेगी। हम चुनाव जीतेंगे, जनता का समर्थन मिलेगा। जीत करके एक नियम बनाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज निःशुल्क होगा। मुझे ताज्जुब होता है, मैं कल कई जगह अपने संबोधन में मैंने कहा, यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय शिवपुर के माननीय विधायक जी हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ रखने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा 5 साल में उनको लेना चाहिए था और पैसा आया हुआ है। पूरे क्षेत्र में कल हमने पूछा कि क्या किसी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए, जबकि नियम में है कि 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान विधायक जी के माध्यम से क्षेत्र की जनता को देना चाहिए था इलाज के लिए, लेकिन मैं जहाँ जहाँ मैं गया सबसे पूछा, लोगों को जानकारी भी नहीं है तो मांगेंगे कहाँ से। ये विधायक की नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी है कि वो गांव के लोगों को बतावे कि अगर आपकी तबीयत खराब है, गंभीर बीमारी से परेशान है, तो आपको अपनी जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी जेवर गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैसा मैं दूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी, हम लोग मिलकर के 7.5 करोड़ रुपया हम लोग ने देने का कार्य किया, तो यहाँ भी हो सकता था। हमारा दूसरा विकल्प यही रहेगा, जनता मौका देगी, उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं एकदम फिट किए जाएंगे और जिसको जितना पैसा लगेगा इलाज में उसको हम देने का कार्य करेंगे। चौथा चीज़ है हमारे बुनकर समाज के लिए। आज बुनकर समाज के लोग उत्तर प्रदेश और हमारे इस शिवपुर विधानसभा में बहुत परेशान हैं। उनका लगातार हम लोगों को, जब हम लोग सरकार में थे तब भी मैसेज आते थे, जब हम लोग सरकार के विपक्ष में आए आक्रामक होकर हम लोग बोलना चालू किए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर के हम लोग जब बोलना चालू किए, उनके घोषणा पत्र को लेकर बोलना चालू किए, तो बुनकर समाज का हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया हुआ था, ज्ञापन आया हुआ था कि हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं अपने जो बिजली को लेकर के, कि जरा सा कुछ होता है लोग हमारे कनेक्शन काट देते हैं। हमारा प्रयास होगा कि बुनकर समाज की बेहतरी के लिए, उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए और बुनकर कुछ अच्छा कर पाएँ, जिससे कि बनारस में एक अलग पहचान दे सके वो, उसके लिए हम उनको निःशुल्क बिजली देने का कार्य करेंगे और एक भी ऐसी दुर्व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जिससे कि उनको कार्य करने में या कताई बुनाई करने में उनको कोई समस्या आवे। यहाँ जो हमारा युवा समाज है, युवा समाज बनारस नज़दीक है, जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान समय में, सरकार अगर सुनिश्चित कर रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो प्रथम दृष्टिया तो भारतीय जनता पार्टी को ही इसका पालन करना चाहिए। देश के गृह मंत्री अगर इतने गैर जिम्मेदार हो जाएंगे कि थूक लगा लगा के पर्ची बांट रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये नारा देने वाले लोग थूक लगा के पर्ची बांट रहे हैं, इसका मतलब कि कोरोना फैला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले इस पे समझना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी वो है और वो सरकार जैसा निर्देश देगी वैसे लोग चलने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जो रोड मैप तैयार कर रखा है, हम लोग समस्त लोगों से मिलने का कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों का पूरा पुरजोर तरीके से समर्थन मिल रहा है। गांव में जाने पर लोग सड़क पर दौड़ते हुए आ रहे हैं, रोक रोक करके कह रहे हैं कि नहीं, इस बार सरकार बदल देनी है और सरकार बदल करके इस भ्रष्टाचारी व्याभाचारी जो भय भूख अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके जो विकास की रफ्तार 2017 में रुक गई थी, उस रफ्तार को देने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी साथ आ चुके हैं और उस रफ्तार को दे करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। राजभर के खिलाफ किन मुद्दों पर देखिए, जनता ही मुद्दा है और हमारी शिवपुर की जनता जिस क्षेत्र में निवास करती है, लंबे समय से हम शिवपुर में घूम रहे हैं, कल भी हमने कई जगह में गया, कई 10-12 कार्यक्रम हमने किया, एक भी रास्ता ऐसा नहीं बना है जिसको लोग कह सकें कि ये रास्ता इस सरकार में बना है। जनता इस बात को कह रही है कि हमारे स्थानीय विधायक ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता उनको पसंद करे। हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि शिवपुर विधानसभा में जो रास्ते जर्जर हैं,
सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे रास्ते ही क्षेत्र का विकास करती हैं, सबसे पहले अच्छे रास्ते का निर्माण होगा। मैं कई गांव में कल गया, मैं देखा कि गांव के बीच से रास्ता निकला हुआ है, उसमें नाली पूरा एकदम बजबज है, पानी भरा हुआ है, निकलने का कोई स्थान नहीं है, ना उसको उसकी सफाई हो पा रही है। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि रास्ते को अच्छा किया जाए, रास्ते के बगल में जो नाली है उसमें पानी का ठहराव ना हो, उसको बाहर किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा है मोहल्ला क्लिनिक की बात, जैसा मैं कह रहा हूँ, हम लोगों का प्रयास है कि जब सरकार हमारी बनेगी तो दिल्ली के ही तर्ज पर हम लोग उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था देंगे कि जो तबीयत खराब होती है या छोटी छोटी जो परेशानियां होती है तत्काल उनको दवाई उपलब्ध हो जाए और वो ठीक शांत कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बौखलाहट बोल रही है, क्योंकि जब दिया को बुझना होता है तो भभकता जरूर है। तो ये उसी प्रकार से है, माननीय हमारे योगी महाराज जी हैं, और हम तो कहेंगे, हमने नोटिस भी दिया है चुनाव आयोग को कि इसको संज्ञान में लिया जाए, उनके वीडियोस को, उनकी स्पीच को संज्ञान में लिया जाए और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया जाए, जो भी केसेस उन पर बनते हैं वो दर्ज किया जाए ताकि चुनाव प्रभावित न हो। तो वो दिया भभकने बुझने वाला है तो भभक रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आगरा के विधायक के लिए खड़े हुए इश्तियाक खान, उन्होंने कहा था कि जी का बंटवार करते हुए कि यहाँ पे 5 साल तक जो है हिंदू गति चली है, तो आपको इससे क्या लगता है कि ये उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? देखिए, चुनाव जो है ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में है संविधान, और संविधान इस चीज़ की गवाही नहीं देती है कि किसी के अधिकारों का हनन हो, और चुनाव जब हो तो किसी पर आरोप या प्रत्यारोप या धर्म की बात या किसी मजहब की बात करके प्रभावित किया जाए। बीजेपी सदैव प्रयास करती है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब वो सदैव प्रयास कर रही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके और वैमनस्यता लाया जाए और कट्टरपंथी चालू किया जाए। तो जनता समझदार है, हर लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बीजेपी अब अपने चाल में कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के बड़े बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश की जनता, हर कोई समझ गया है इस सरकार में कौन परेशान नहीं रहा। लेकिन सर, ये सपा के कैंडिडेट हमने क्या कहा कि बीजेपी का पलटवार हम नहीं दे सकते। मैं पहले ही कहा कि हम लोग चुनाव को बहुत शालीनता से और बहुत सज्जनता से और बहुत आराम से और आसानी से इसको लेके जाना चाहते हैं। जो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है उसमें गाइडलाइन है, उस पर हम लेके जाना चाहते हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जो भी कैंडिडेट अगर इस प्रकार से कहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। संज्ञान